कोरोना की सेकेंड वेव की वजह से लगी रिस्ट्रिक्शंस अब धीरे धीरे हट रही हैं। बॉलीवुड के लिए एक राहत भरी खबर ये है कि जून के महीने से शूटिंग स्टार्ट हो रही है। लेटेस्ट अपडेट की मानी जाए तो 15 जून के बाद बॉलीवुड की मेगा बजट फिल्मों की शूटिंग रिज्यूम की जा सकती है। सबसे पहले संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई ट्रैक पर आएगी, फिर अक्षय अपनी फिल्मों की शूटिंग शुरू करेंगे। इसके बाद बाकी फिल्में भी एक एक करके अपना बचा हुआ शेड्यूल पूरा करेंगी। लेकिन जब छूट 7 जून से ही मिल गई है तो आखिर 15 जून तक का वेट क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक 15 जून से पहले तक जिस तरह की बंदिशें हैं उनमें बड़े बजट की फिल्मों की शूटिंग शुरू नहीं हो सकती है। वो इसलिए कि उनमें ज्यादा तादाद में क्रू मेंबर्स की जरूरत होती है। बड़े सीन शूट करने होते हैं तो अधिक संख्या में जूनियर आर्टिस्ट की जरूरत पड़ती है। मौजूदा हालात में शूट रिस्ट्रिक्शन के चलते किसी भी प्रोडक्शन हाउस को बायो बबल में क्रू मेंबर्स को सेट पर लाना होगा। न उन्हें कहीं बाहर जाने की इजाजत है और न बाहर से किसी को उनके साथ मिलने की परमिशन। साथ ही शूट शुरू करने के लिए सेट पर जाने से पहले 7 दिनों तक क्रू मेंबर्स को होम या होटल क्वारंटाइन भी करना होगा। ऐसे में बड़े बजट वाली फिल्मों के खर्च में और इजाफा हो जाएगा। सबसे पहले शुरू होगी गंगूबाई काठियावाड़ी। आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का कुछ आखिरी हिस्सा बचा हुआ है जो 15 जून से शुरू हो रही शूटिंग में पूरा किया जाएगा। इसके लिए जूनागढ़ का सेट फिल्म सिटी में लगाया गया है। खबरों की मानी जाए तो फिल्म की करीब 7 से 8 दिनों की शूटिंग और बाकी है। आदि पुरुष की डेट भी हुई फाइनल। गंगूबाई के बाद 16 जून से प्रभास की मेगा बजट फिल्म आदि पुरुष का शेड्यूल शुरू होगा। बॉलीवुड भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक ओम राउत के करीबियों ने बताया कि पहले फिल्म की शूटिंग का प्लान हैदराबाद में था, पर वहां पर अभी परमिशन नहीं मिली है। इस वजह से टीम ने मुंबई में ही शूटिंग को रिज्यूम करने का फैसला किया है। टीम अगर हैदराबाद भी जाती तो वहां प्रभास के हिस्से की शूटिंग नहीं होनी थी। मुंबई में सैफ अली खान खाली थे, इसलिए वहीं पर ही शूटिंग का प्लान कर लिया गया, जिसका मतलब साफ है कि अभी सैफ शूट करेंगे, जो लंकेश का किरदार फिल्म में निभा रहे हैं। रक्षाबंधन की तैयारियां जोरों पर। अक्षय कुमार की रक्षाबंधन के लिए 18 जून से स्लॉट बुक कर दिया गया है। फिल्म का सेट पहले से ही मुंबई की फिल्म सिटी में लगा हुआ है। मीडिया में आ रही खबरों पर अगर गौर किया जाए तो ये सेट मुंबई के एक चौल का माना जा रहा है। रक्षाबंधन के लिए फिल्म सिटी में 40 दिनों का शेड्यूल रखा गया है। इसके साथ ही अक्षय के राम सेतु का भी सेट लगा हुआ है। टाइगर 3 और पठान एक साथ गरजेंगे। टाइगर 3 और पठान दोनों ही यशराज की बिग बजट मूवी है और दोनों ही फिल्मों को काफी बड़े स्तर पर बनाया जा रहा है। ऐसे में फिल्म के लिए लोगों की जरूरत भी ज्यादा होने वाली है, क्योंकि एक ही साथ दोनों फिल्मों का शूट शुरू होगा। इसलिए फिल्म की शूटिंग को शुरू करने के लिए 20 जून की जो डेट है वो फिक्स कर दी गई है, ताकि तब तक थोड़ी और ढील मिल जाए। पिछले एक साल से हो रहे भारी भरकम नुकसान के बाद एक बार फिर से बॉलीवुड के लिए नई उम्मीद जागी है। वापस से शूटिंग शुरू होगी, फिर से रिलीजिंग का सिलसिला शुरू किया जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि अब आगे सब कुछ सही रहेगा और सही होगा। फिलहाल तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कौन सी फिल्म देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नीचे कॉमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा अपना जवाब हमारे साथ। बीटाउन की हर लेटेस्ट अपडेट, सेलेब्स की हर छोटी बड़ी गॉसिप्स, आप सभी के चहीते सितारों की पूरी कहानियाँ, सब कुछ मिलेगा आपको हमारे चैनल इंडिया बॉलीवुड वायरल पर। जाने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल इंडिया बॉलीवुड वायरल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।